हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार के अंतर्गत जो बिहटा है वहां पर एक एयरफोर्स स्टेशन है जिसके की बहाली होने जा रही है रैली के माध्यम से। आप रैली में शामिल होंगे, उसके लिए क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा किस डेट में आप लोग को रैली में भाग लेना है। और उसके लिए जो योग्यता है सिर्फ इंटर पास रखा गया है, ठीक है। तो जो लोग भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मौका है बिहार के सभी जिलों के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर स्पेशल रखा गया है रैली बेटा एयरफोर्स स्टेशन के लिए। बहुत ही बढ़िया आप लोग को मौका मिल रहा है एयरफोर्स में काम करने का, ठीक है, वो भी बिहार में रहते हुए बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी यहाँ पर अपडेट है। तो आप लोग अगर इंटर पास हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्या एज क्वालिफिकेशन क्या है और एज कितना चाहिए, कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, क्या उसका वेबसाइट है, सब कुछ A to Z आपको हम देंगे जानकारी कि आपको क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सीधी भर्ती है कैसी है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंडियन एयर फोर्स इन्वाइट्स अनमेरिड मेल यानी जिसकी शादी नहीं हुई है सिर्फ वही फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट्स टू अपियर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम कब से कब तक, 9 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक एज एयरमैन इन ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड एक्सपर्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एट 10th एयरमैन सेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बेटा पटना, ठीक है, जो कि विज्ञापन संख्या है 1/2021। तो चलिए थोड़ा तो उसको जूम कर लेते हैं और आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो जो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है वो अनमेरिड जिसकी शादी नहीं हुई फॉर्म भर सकते हैं। और उसके लिए जो है आपको यहाँ पर देखिए 27 सितंबर से 28 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा 11 बजे, 27 सितंबर को 11 बजे शुरू होगा और 28 सितंबर को 5 बजे शाम में बंद हो जाएगा, यानी आपको एक दिन के लिए समझिए कि खुला हुआ रहेगा 27 को और 28 को, 2 दिन के लिए, सॉरी यहाँ, ठीक है, 2 दिन में आपको ये वेबसाइट का लिंक है airmanselection.cdec.in, यहीं पर जाके आपको अप्लाई करना है। 27 को याद रखिए 11 बजे से शुरू होगा और 28 को 5 बजे शाम में ख़त्म हो जाएगा, मात्र 2 दिन आपको टाइम मिलेगा। तो इसका जान लीजिए क्या है क्वालिफिकेशन, देखिए आपको 10+2 या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए या डिप्लोमा कोर्स वगैरह किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए आपको जो सभी ज़िले ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार आपको जो है अप्रोक्स 175 कैंडिडेट ईच डे, हर दिन जो है 175 कैंडिडेट को लिया जाएगा और उसमें जो है 9 से 13 अक्टूबर को होगा दौड़ या जो भी भाग होगा, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख को रखा गया है रिजर्व, फिर आपको 15 से 19 और 20 को रखा गया है रिजर्व, यानी आप 9 से 20 के बीच में कभी भी भाग ले सकते हैं बिहार के किसी भी आप जिले से हैं तो। इसमें क्या क्या होगा देखिए, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा 1 और 2, ठीक है, दोनों के लिए सेम है। अब देखते हैं आगे, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17 जनवरी 2020 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिर्फ इंटर पास होने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंटर कैसे होना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटर जो है आपको मैथ के साथ में होना चाहिए, मैथमेटिक्स अगर आप हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश, याद रखिए मैथ प्लस फिजिक्स प्लस इंग्लिश ये तीनों अनिवार्य है आपको 10+2 में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ में जो है इंग्लिश में आपको 50% अलग से होना चाहिए और एग्रीगेट यानी कुल जो है आपको इंटर में देखिए सबसे बात समझिए, आपको 12 में 50% होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया पूरा कर गए। दूसरा है मैथ फिजिक्स और इंग्लिश तीनों होना चाहिए, ये 2 हो गया। और तीसरा कि इंग्लिश में 50% अलग से आपको पास
वहाँ चाहिए, फिर ये बढ़िया। अगर आपको 49.9 भी है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। क्वालिफिकेशन या उसके अलावा आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में 50% के साथ, और साथ में 50% मार्क्स इंग्लिश में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, अगर आप बिहार से हैं तो लेके जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट क्या होना चाहिए, आपको डेंटल, दांत वगैरह, जनरल हेल्थ वगैरह सब कुछ। ये वाला PDF आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको लोड कीजिए और खुद से पढ़िए, समझिए। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी पर परमानेंट टैटू है तो उसको आप लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि टैटू के साथ में अगर जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे आपका होगा। पहला जो है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। पहला आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसमें आपको दौड़ होगा 1.6 किलोमीटर का, 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना है। उसके बाद 10 पुशअप कंप्लीट करना है, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स विद द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा, जो कि OMR सीट पर लिया जाएगा, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। 10+2 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश रहेगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपको मार्किंग जो पैटर्न है वो रिटन टेस्ट आपको वर्न मार्क एवरी आंसर के लिए होगा 1 मार्क, और अगर आप क्वेश्चन नहीं छूते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 उसके लिए आपको काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पूरा, ब्लड, हेमोग्राम, यूरिन, RM, वगैरह, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके आप लोग 27 और 28 को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यहाँ पर आप लोग को रैली में भाग ले सकते हैं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये वाला PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दोनों में डाल दूँगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं, और वीडियो इसको जो नोटिफिकेशन है उसको से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।